दोस्तों, अभी जो उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा चल रही है, उसमें एक बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ। एक महिला पानी लेकर आई माँ गंगा के, गंगा नदी से, और वो ताजमहल में इसको चढ़ाना चाहती थी। उसका आर्गुमेंट था कि ये ताजमहल एक शिव टेम्पल था, शिव मंदिर था। अब ये प्रचार किया गया है, वैसे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, और इसका प्रमाण है जो विदेशी यात्री थे पीटर मुंडी और दूसरे, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान बताया कि बादशाह शाहजहां बहुत दुखी है और अपनी बेगम की याद में वो एक बड़ा मकबरा बना रहा है। उसी के साथ शाहजहां की जो अकाउंट बुक्स हैं उसमें भी ये बातें मिलती हैं, टैवर्नियर के वर्णन में भी ये बातें मिलती हैं, और शाहजहां के बही खातों में मिलता है खर्चा कैसे हुआ, इतना पैसा मजदूरों को दिया, इतना पैसा मकराना से बंद पत्थर मंगाने में हुआ, कितने पैसे का खर्च इस जगह पे हुआ। तो ये निर्विवाद बात है कि शाहजहां ने बनवाया था, और पर उसमें एक ही संबंध जो है वो बात यह है कि वो जो जमीन थी, वो जमीन थी राजा जय सिंह से खरीदी हुई, और उसको पैसे देकर खरीदा गया था। इसमें कोई जबरदस्ती का सवाल नहीं था, और राजा जय सिंह ने इसके लिए पैसे लिए और वो जमीन शाहजहां को बेची। अब वैसे भी अगर यहाँ शिव मंदिर होने का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि जो राजा थे वो राजा तो एक वैष्णव राजा थे, वो शैव राजा नहीं थे, तो इस बात को भी सिद्ध नहीं होता कि ये कोई शिव महल था, शिव मंदिर था, तेजो महल था। ये बात पूरी तौर से गलत है, और उसका प्रचार इतना किया गया कि एक महिला पानी लेकर ताजमहल को चढ़ाने पहुंची कांवड़ यात्रा के दौरान। ये पूरी गलत प्रोपेगेंडा है, और हमें इसकी सच्चाई को समझना चाहिए। धन्यवाद।